जी अमन चैन पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए जी क्या होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ हैं या बीजेपी या आरएसएस के या कोई और नन्हे नहीं था, लगातार जो है समाज में नफरत बोने का काम कर रहे हैं। देश जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, बेरोजगारी जो दर जो है 45 साल बाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने रेलवे स्टेशनों का सिपाही भर्ती में हालात देखे हो जी, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान बदहाल है, हर तरीके से देश जो है आर्थिक स्थिति जो है जीडीपी जो है वो गिर चुका है। और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ये भी बताना चाहिए था आकर के कि जो हमारा संविधान जो है जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता है, आखिर वो भेदभाव क्यों करता है? CAA और NRC, CAA जो है NRC और ये सारा जो है एक दूसरे से लिंक्ड है। और अभी जो NPR जो है, NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर NRC और उसमें नया कॉलम भी जोड़ा गया है। तो इन लोगों का बैकग्राउंड में जाकर अगर देखें UP के मुख्यमंत्री जी का, तो सबको पता है इनका इतिहास कहाँ से है और ये क्या चाहते हैं। और संघ का अगर एजेंडा देखें वो सबको पता है, संविधान को तो ये लोग मानते ही नहीं है। ये लोग तो नथुराम गोडसे को पूजने का काम करते हैं। तो ये लोग अगर आ करके भ्रम फैलाने वाली अगर बात कहें, उनको बताना चाहिए था कि आरएसएस वाले लोगों ने किस प्रकार से गणेश जी को दूध पिलाया था, वो कौन भ्रम फैला रहा था। देखिए साफ तौर पे लोगों को नज़र आ रहा है। और इनकी जो चालाकी है इस बार हम लोग चलने नहीं देंगे। और जनता जो है खुद आवाम सड़कों पर आई, ये केवल मुसलमानों की बात नहीं है, ये हिंदू पिछड़े दलित आदिवासी जितने भी शोषित पीड़ित समाज के जो लोग हैं ये उनके लिए भी है। अब आपको नागरिकता साबित करना पड़ेगा, मतलब अगर कोई पड़ोसी भी कंप्लेन कर दे तो आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हो। कि आप किस चीज़ों से साबित कर सकते हैं कि इस देश के नागरिक हैं? पासपोर्ट से, आधार से, वोटर आईडी से कर सकते हो। लेकिन इसमें ना आपका वोटर आईडी चलेगा, ना पासपोर्ट चलेगा, ना आधार चलेगा। जब वोटर आईडी चलेगा ही नहीं तो ये लोग सत्ता में कैसे आ गए, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर आधार कार्ड से अगर चिन्हित नहीं होंगे तो इन्होंने बैंक से लिंक क्यों कराया। तीसरा, अगर पासपोर्ट को ही नहीं मानते हैं तो पासपोर्ट पर पहला भारत गणराज्य क्यों लिखा हुआ है। तो ये लोग जो है छल कपट राजनीति। आप बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं NRC की कोई चर्चा नहीं होगी, गृह मंत्री कहते हैं कि एक इंच भी हम जो है वापस नहीं लेंगे और NRC जो है पूरे देश में लागू करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण करा दिया इन लोगों ने, इनके एजेंडा में है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं तो कन्फ्यूज किया हुआ है इन लोगों ने। तो देश में अगर योगी आदित्यनाथ अगर कोई बिहार आकर के महात्मा बुद्ध की धरती पर अगर कोई जहर फैलाएगा, नफरत फैलाने का काम करेगा, तो बिहार की जनता इनको जो है इनके झांसे में आने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले समय पे जब मौका मिलेगा तो जवाब। डिप्टी CM 2-3 दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि झारखंड में सरकार बदलते ही जनता दरबार लालू का लगने लगा है, इसलिए CBI को इस पर नोटिस लेकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनका जनता दरबार को बंद करना चाहिए। कौन सा जनता दरबार? मतलब इनके जब राज्य में एक बेटे को एक पिता से नहीं मिलने दिया जाता, किस प्रकार से शक्ति जो है बरती गई। और सुशील मोदी जी का और कोई बयान तो है, उप मुख्यमंत्री बने इस कारण से, चोर दरवाजे से। जनता ने जनादेश उनको थोड़ी ना दिया था उप मुख्यमंत्री बनने के, कैसे बन गए भाई? डकैती कर, जो डकैती करके उप मुख्यमंत्री बन गया वो पाठ पढ़ाएगा क्या? तो ये लोग तो बेईमान लोग हैं, चोर लोग हैं। और इनके ED में, CBI को, इनकम टैक्स को, राज्यसभा मेंबर मनोज झा ने इनके भाई बहनों जितने रिश्तेदार हैं, सृजन घोटाला हो या काले धन की कमाई हो,
कंप्लेन किया विद एविडेंस, क्या कार्रवाई थी? अपने ऊपर भी तो बताए ना, सृजन घोटाले में इनकी बहन की जो भूमिका थी उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई? क्यों? क्योंकि सीबीआई इनके मुट्ठी में है, इनकम टैक्स इनके मुट्ठी में है। अरे भैया, चोर दरवाजे से उप मुख्यमंत्री बने, कुछ तो भला कर दो जनता का। मतलब लालू जी से इतना खौफ है, जेल में है तो भी दिक्कत है सर। लास्ट तो इसलिए देखिए, लोग जो है दिन भर इन लोगों का एक ही काम है, लालू जी को गाली देते रहो और जिस स्थान पे पहुंचे हैं वो स्थान इसी हिसाब से प्राप्त हो पाएगा लालू जी को, उनके आका इसी से खुश होंगे। तो इन लोगों के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है ना करने के लिए। नियम कायदा से हर एक चीज़ चलता है। यानी उनका क्या मतलब है ये कहकर कि यानी जो है कंट्रोल में है, यानी पूरा सीबीआई ईडी जो है कंट्रोल में है उनके? अगर झारखंड में हमारी सरकार मिल गई, जनता दरबार लग रहा है, तो इसका मतलब क्या सीबीआई ने गलत मुकदमा किया लालू जी पे, ईडी ने गलत मुकदमा किया हम लोगों पर, जेल गलत तरीके से भेजा? तो सत्ता का दुरुपयोग तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आरबीआई के गवर्नर से पूछिएगा कितने गवर्नर बदल गए। सीबीआई के जो एक्स डायरेक्टर थे उनकी क्यों छुट्टी हो गई? उन्होंने बोला था ना कि सुशील मोदी दिल्ली फोन करके बीजेपी के नेताओं से, नीतीश कुमार लोग मिलकर के लालू जी को जेल भिजवाया। कोई आधिकारिक बयान आया है तो आया है, सीबीआई डायरेक्टर का उस समय के जो थे वर्मा जी, उनकी बात मानो ना, कौन दुरुपयोग करता है? 19 को मानव श्रृंखला लगाया जा रहा, नीतीश कुमार मानव श्रृंखला लगा रहे हैं, जन जीवन बेहतर तो ये होता जी, इससे पहले बेरोजगारी के लिए मानव श्रृंखला बना। सर योगी जी आज आए हैं और उनका प्लान था कि 10 दिन से आने का, पर आप एकाएक आए हैं, कुछ डैमेज कंट्रोल होने वाला था उसको बचाने के लिए आप गए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई मतलब नहीं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।